और सिग्नेचर को वेरीफाई कर सकते हैं तो इसके लिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना है कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना तभी आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट पर अगर आपके डॉक्यूमेंट पर कोई ऐसा सिग्नेचर है ऐसा क्वेश्चन मार्क का साइन है तो आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट पर या फिर किसी भी सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर नॉट वैलिडेट या फिर सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ है तो इस केस में आपको क्या करना है एडोब एक्ट रीडर डीसी एप यानी कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में तो वहां पर आपने क्या करना है कंप्लीट प्रोसेस को फॉलो करना है तो इस वीडियो में मैं आपको वही कंप्लीट प्रोसेस बताने वाली हूँ आप जैसे जैसे उन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपके जो सिग्नेचर है वो वेरीफाई हो जाएंगे डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए हमने एडोब एक्रोबेट रीडर डीसी ओपन करना है तो हमने यहाँ उस सर्टिफिकेट को अपलोड कर लिया है जिसके ऊपर सिग्नेचर नॉट वैलिडेट शो हो रहा है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं ये एरर जरूरी नहीं है कि तब शो होता है अगर आपका सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो चुका है मैंने यहां सब्सक्रिप्शन भी परचेज किया हुआ है फिर भी ये साइन शो हो रहा है तो अब हम इस क्वेश्चन मार्क के साइन को रिमूव करना चाहते हैं तो इसको वेरीफाई करने के लिए हमने एडोब एक््रोबैट रीडर डी में हमारे पास यहाँ पर फाइव ऑप्शन गिवन है हमने यहाँ एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आपको नीचे प्रेफरेंसेस का ऑप्शन शो होगा आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है अब आपको यहाँ सिग्नेचर का ऑप्शन भी मिल जाएगा आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है अब आपको यहाँ डिजिटल सिग्नेचर्स के नीचे भी कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं जैसा कि क्रिएशन एंड अपियरेंस आइडेंटिटीज एंड ट्रस्टेड सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट टाइम स्टैम्पिंग तो हमने यहाँ वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन में मोर के ऑप्शन पर क्लिक करना है जैसे ही हम यहाँ पर मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ हमने एक ऑप्शन को अनचेक करना है वो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट रिवोकेशन चेकिंग टू सक्सीड वेन एवर पॉसिबल सिग्नेचर वेरिफिकेशन और ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है देन हमने इस पेज पर भी ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है तो यहाँ वही सर्टिफिकेट हमें शो होगा हमने यहाँ सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ सिग्नेचर वैलिड लिखा हुआ है और टिक का साइन भी शो हो रहा है मेन सिग्नेचर वेरीफाई हो गए हैं तो हमने यहाँ एक्रोबेट रीडर डीसी सॉफ्टवेयर का यूज करके सिग्नेचर को वेरीफाई कर लिया है तो इसका यूज करके आप किसी भी सर्टिफिकेट किसी भी पीडीएफ फाइल में अपने सिग्नेचर वेरीफाई कर सकते हैं आई होप आपको क्लियर होगा कि कैसे आप अपने सिग्नेचर को वेरीफाई कर सकते हैं कंप्लीट डिटेल आपको क्लियर होगी अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरी